यह मात्र एक खबर नहीं है कि नोएडा में भवनों के आवंटन में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ आईएएस राजीव कुमार द्वितीय को सरकार जबरन रिटायरमेंट देने की तैयारी कर रही है, बल्कि यह एक संदेश भी है उच्च पदों पर बैठे उन अफसरों के लिए जो अपने निहित फायदों के लिए नियमों से खिलवाड़ में तनिक भी संकोच नहीं करते। वैसे तो यह कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब भी सरकार भ्रष्ट अफसरों को चेताने के मकसद में कामयाब है और अफसरशाही में भ्रष्टाचार पर इस फैसले का असर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। महज कुछ दिनों पहले ही सरकार ने एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को बर्खास्त करने का भी कड़ा फैसला किया है और आने वाले दिनों में यह शिकंजा और कसता जाएगा। तो निश्चित है कि भ्रष्ट तंत्र में घबराहट बढ़ेगी और लोगों में यह विश्वास भी पुख्ता होगा कि जीरो टॉलरेंस की नीति में मुख्यमंत्री कोई भी ढील नहीं देना चाहते हैं। प्रदेश में 2.5 साल के दौरान 600 से अधिक अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई इस मुहिम के दायरे में आए हैं। इनमें प्रशासनिक अफसर हैं तो इंजीनियर और विभिन्न विभागों के अध्यक्ष भी। इनके खिलाफ बर्खास्तगी, निलंबन व पदावनत जैसी कार्रवाई हुई। चूँकि यह सभी कार्रवाइयाँ अलग अलग समय के अंतराल में हुई और विभागाध्यक्षों ने अपने स्तर पर कदम उठाए, इसलिए भ्रष्ट तंत्र पर समग्रता से असर ना कर सकी और भ्रष्टाचारियों में वह भय व्याप्त ना हुआ जिसकी उम्मीद की गई थी। लेकिन अब यदि राजीव कुमार द्वितीय जैसे सीनियर आईएएस के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इससे सरकार का इकबाल बुलंद होगा, इसलिए कि यह पहला अवसर होगा जबकि सरकार किसी आईएएस को जबरन रिटायर करेगी। इससे पहले नीरा यादव, अखंड प्रताप सिंह, प्रदीप शुक्ला जैसे कई आईएएस अफसरों के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देशों पर ही कठोर कदम उठाए गए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस बार सरकार ने यह जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है और इससे सुशासन की उसकी मंशा को और मजबूती मिलेगी। वर्ष 1981 के बाद से बढ़ती बेरोजगारी और भाषाई विवादों के चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में छिटपुट आंदोलन हुए, लेकिन वे मौजूदा घोषणा से अलग थे। उसमें संबंधित राज्य में अपनी भाषा को प्राथमिकता देने की मुहिम ने जोर पकड़ा। इस बात में दम भी है। देश भर में बढ़ती बेरोजगारी और वोट बैंक की राजनीति के चलते लोकतंत्र में ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन एक दूरदर्शी शासन प्रशासन को इसके विध्वंसकारी आयामों को समझते हुए तत्काल कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है।